In the last class, we have discussed of working of a Daniell cell. Okay, so in the Daniell cell, zinc electrode is dipped into the zinc sulfate solution and copper electrode is dipped into the copper sulfate solution, and both the containers are connected to each other by a salt bridge, which consists of inert electrode or a paste of inert electrolyte, and which maintain the electric neutrality of the circuit. And now, as we discuss the working of a Daniell cell, what we have discussed that zinc electrode is basically negatively charged with respect to its solution, and the copper electrode is basically positively charged with respect to its solution. जो हमने working जब discuss किया था, उस working में हमने क्या बोला था कि ये जो zinc rod है which is dipped into the zinc sulfate solution, ये अपने solution के respect में negative charge है, और ये जो copper electrode है that is dipped into the copper sulfate solution and that is basically positively charged with respect to its solution. And the potential difference between the rod and its solution is called electrode potential. वो टर्म क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो देखिए, बेसिकली जब इलेक्ट्रोड पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होता है, तो उसमें क्या होता है, मेटल एटम जो है वो मेटल आयन के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है. जैसे यहां पर क्या है, जिंक एटम्स आर बेसिकली इन कॉन्टेक्ट विद द जिंक आयन, और यहां क्या हो रहा है, कॉपर एटम्स आर बेसिकली इन कॉन्टेक्ट विद द कॉपर आयन. ठीक है, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेसिकली व्हाट, अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन. जैसे यहां ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक आयन फॉर्म करेगा, वो जिंक आयन सॉल्यूशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, रॉड पे क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है वो इस कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन बोरो करेंगे और क्या होंगे, कॉपर रॉड से इलेक्ट्रॉन जैसे बोरो करेंगे तो कोई सिस्टम इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेगा, तो ये कॉपर रॉड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ वो बेसिकली किस वजह से हुआ, इस इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की टेंडेंसी की वजह से ये रॉड नेगेटिव चार्ज हो गई और ये रॉड पॉजिटिव चार्ज हो. सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन. और बेसिकली इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें क्या मिलता है, EMF of cell. EMF of cell क्या होता है, the difference of electrode of electrode potentials of both the electrodes, E cathode minus E anode. E cathode minus E anode. दोनों electrode के electrode potential का जो difference होता है वो क्या बोला जाता है, EMF of cell. Basically ये जो electrode potential है, convenience यानी जो sign conventions है उसके हिसाब से ये electrode potential, दोनों electrode potential क्या है, standard reduction potential. कैसे पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. जैसे ये हमारा कैथोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड है, तो यहां हम जो लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक. इस देखिए यहां मैंने क्या लिखे हैं, मेटल आयन इज इन कॉन्टेक्ट विद मेटल एटम, यहां पर भी जिंक आयन इज इन कॉन्टेक्ट विद जिंक एटम, और यहां कॉपर आयन इज इन कॉन्टेक्ट विद कॉपर एटम. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आपका क्या सेटअप होता है, ईएमएफ ऑफ सेल. क्या सेट होता है, क्या डिटरमाइन होता है, ईएमएफ ऑफ सेल. सो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बेसिकली आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड. जैसे हमने EMF of cell, जो हमारा Daniell cell था, वो कैसे कैलकुलेट किया था कि भाई स्टैंडर्ड EMF of cell कैसे कैलकुलेट किया था, कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का क्या है, 0.34 वोल्ट, और जिंक का क्या है, -0.76 वोल्ट, और इन दोनों का जब डिफरेंस कैलकुलेट किया तो दैट कम्स 1.1 वोल्ट. तो दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस कैलकुलेट करके हमने EMF of cell कैलकुलेट कर लिया. सो
हाउ टू डिटरमाइन दीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर होता है. हमने कॉपर के लिए ये वैल्यू क्यों प्लेस करी और जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये वैल्यू क्यों प्लेस करी, तो दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा कि मैंने डिस्कस किया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज अ gain the electrons, that is called its electrode potential. So determination of electrode potential of any electrode. अब देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए we make a electrochemical cell. जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल की कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है या जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस इलेक्ट्रोड के साथ एक ऐसा दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका पोटेंशियल हम क्या अज्यूम कर सकें, जीरो अज्यूम कर सकें, और उस जीरो पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड को और जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उन दोनों को कंबाइन करके वी मेक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड देन डिटरमाइन इट्स ईएमएफ ऑफ सेल प्रैक्टिकली. और जो आपका वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ईएमएफ होगा वही ईएमएफ आपका क्या हो जाएगा, उस अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्योंकि जो हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या अज्यूम किया है, जीरो अज्यूम किया है. जैसे सपोज हमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ हम क्या करेंगे, एक ऐसा दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, जीरो. एंड दैट सेकंड इलेक्ट्रोड इज व्हाट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है. क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या अज्यूम किया जाता है, जीरो. एंड दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मे बी वर्क एज अ कैथोड एज वेल एज वर्क एज अ एनोड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ये कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है और ये एनोड की तरह भी वर्क कर सकता है. और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है. तो हमें जिस भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है उस इलेक्ट्रोड को इसके साथ कंबाइन करेंगे एंड मेक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उस गैल्वेनिक सेल का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे. और वो जो ईएमएफ आएगा वही ईएमएफ आपका क्या होगा, उस अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अब सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है. सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक. ये क्या होती है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्लेट होती है जिसको हमने प्लेटिनम ब्लैक के साथ कोट किया हुआ है. This is your platinum electrode. ये आपकी platinum की plate है coated with platinum black. And this electrode, platinum plate and the wire, ये पूरा platinum electrode है that is dip into the solution of any acid of one molar concentration. ये हमने एक acid solution लिया है, either you are taking HCl, either you are taking H2SO4 of one molar concentration. Means we are taking a platinum plate or a platinum electrode coated with a platinum black. ये पूरा coated है black, platinum black के साथ पूरा coated है.
and this electrode is dipped into the an acidic solution of 1 molar concentration, and hydrogen gas at 1 atmospheric pressure and at 25 degree centigrade is passed over the electrode. Hydrogen gas 1 atm pressure per or 25 degree centigrade per is electrode per kya ho rahi hai, pass ho rahi hai, means hydrogen gas is basically absorbed over the surface of electrode. So in this electrode basically kya ho raha hai, metal atom is in contact with H plus ion. ये आपके क्या है सॉल्यूशन के अंदर क्या है H plus ion है. So in this electrode this platinum plate or this platinum metal is in contact with H plus ion. So that construction is called standard hydrogen electrode. So standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with the platinum black, dip into the acidic solution of 1 molar concentration, and hydrogen gas at 1 atmospheric pressure and at 25 degree centigrade is bubbled, passed over the electrode. Means the hydrogen gas is absorbed over the surface of metal. In this electrode, metal plate or platinum plate, a metal is in contact with H plus ion. So that arrangement is called standard hydrogen electrode. Now this electrode can behave as an anode as well as cathode. ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है. तो एट एनोड, एनोड पर क्या होता है जैसा कि हमें पता है एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. तो एनोड पर क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट. सो दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिहेव एज अ कैथोड एज वेल एज एनोड. दोनों की तरह क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, बिहेव कर सकता है. अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटीएम प्रेशर is in contact with H plus ion. ठीक है, और इस H plus ion की concentration क्या है, 1 molar. So that is a representation of standard hydrogen electrode. Platinum electrode is in contact with H plus ion and hydrogen gas. So that is standard hydrogen electrode. अब इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या अज्यूम किया जाता है, क्या सपोज किया जाता है, जीरो. अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर. ठीक है, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा, नाउ आई एम टेकिंग अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन and taking a standard hydrogen electrode, and these two electrodes are joined together and make a electrochemical cell. इन दोनों को use करके हम क्या बना देंगे, एक electrochemical cell form कर देंगे. तो देखिए कैसे electrochemical cell form हो रहा है. अब देखिए last class में मैंने discuss किया था कि यदि आपके पास दो different material है तो which material is used as a anode और which material is used as a cathode. तो दो तरीके मैंने बताए थे, पहला तरीका reactivity के basis पे कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो हमेशा एनोड बनेगा, जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड बनेगा. ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बेसिस पे. तो जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा दैट मेड इट एज एनोड, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव है वो बन जाएगा कैथोड. अब यहां हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो पता है नहीं, क्योंकि वही हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहां रिएक्टिविटी के बेसिस पे पता करेंगे. थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी सीरीज का हमें आइडिया है, तो हाइड्रोजन और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, विच वन इज मोर रिएक्टिव इन हाइड्रोजन एंड कॉपर, विच वन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर. ओके, एनीवन एल्स, विच वन इज मोर रिएक्टिव,
हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर के कंपैरिजन में, ठीक है, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड बन जाएगा और कॉपर इलेक्ट्रोड आपका कैथोड बन जाएगा। तो देखिए अब हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं, सेल का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, देखिए ये आपका सिंपल सेंट्रल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, ठीक है, और ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज डिप इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर इलेक्ट्रोड एंड बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, एंड वी मेक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर लिया एंड मेक अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, ये आपका एनोड है, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, सो एट एनोड व्हाट हैपेंड, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू एच प्लस आयन बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, एट कैथोड कॉपर आयन एक्सेप्ट द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, H2 plus Cu2 plus gives 2H plus NCU. That is overall cell reaction. और अब इस cell का representation कैसे होगा? Cell का representation हम already बता चुके हैं, ये आपका salt bridge, दो vertical lines में, इस side आपका anode आएगा, इस तरफ cathode आएगा, तो anode आपका standard hydrogen electrode है, तो इसको represent करेंगे platinum, hydrogen gas, slash H plus ion of one molar concentration. ये आपका SHE हो गया, और इस तरफ आपका copper ion, ठीक है, यहां पर भी वन मोलर कंसंट्रेशन और ये माइनस ये प्लस, तो ये आपका क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सेल का, ठीक है, अब नाउ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो प्रैक्टिकली जब इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट हुआ, ई सेल क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस E naught cell, this E naught cathode minus E naught anode, ठीक है, तो E naught cathode आपका कौन सा material है, ये cathode है, तो ये हो गया E naught Cu2 plus Cu minus standard hydrogen electrode that is H plus hydrogen plus। अब देखिए जब practically ये जब electrochemical cell construct हुआ और इसका EMF practically calculate किया, that EMF comes 0.34 volt, मतलब ये प्रैक्टिकली जब आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया और इसका EMF वोल्टमीटर के थ्रू कैलकुलेट किया, तो वोल्टमीटर के थ्रू इसकी सेल की EMF ऑफ सेल कितना आया, 0.34 volt, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द इलेक्ट्रोड्स। तो अब देखिए इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या अज्यूम किया है, जीरो, और इसका मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक्स माइनस जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, 0.34 volt। तो कॉपर का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आएगा, कितना आ जाएगा, आई वांट टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ये मुझे जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगेन we are taking a zinc electrode dip into the zinc sulfate solution coupled with the standard hydrogen electrode and make a galvanic cell and determine its EMF practically। अब देखिए दो material है आपके पास, एक है zinc और एक है standard hydrogen electrode, किसको anode बनाना है किसको cathode बनाना है, that will decide on the basis of reactivity। तो कौन ज्यादा reactive है, कौन ज्यादा reactive है zinc और hydrogen में, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक बनेगा एनोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, कैथोड। तो इस बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या बन गया, कैथोड।
तो वो क्या करेगा, कैथोड की तरह ट्रीट करेगा। तो अब देखिए ये जिंक सल्फेट, जिंक इलेक्ट्रॉड डिप इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट इज कनेक्टेड टू अनदर कंटेनर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड है ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड हो गया और ये इस तरीके से हमने एक गैलियम सेल बना दिया। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड, प्लेटिनम इलेक्ट्रॉड डिप इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन और जिंक इलेक्ट्रॉड डिप इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है। क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगी हर बार। व्हेनेवर वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगी। अब यहाँ एनॉट अब प्रेजेंटेशन कैसे होगा देखिए, फर्स्ट वी रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड, तो H+ आयन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन कनेक्टेड विद हाइड्रोजन गैस एंड प्लेटिनम इलेक्ट्रॉड, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का रिप्रेजेंटेशन होगा। और इस तरफ जिंक इलेक्ट्रॉड है तो जिंक आयन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन कनेक्टेड विद जिंक मेटल, ये आपका ओवरऑल पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये एनोड, ये आपका कैथोड। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक एटम इज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होगा तो ये H+ आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जो हम देखेंगे तो जिंक प्लस 2H+ आयन कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज ये हाफ सेल रिएक्शन हो गई और ये कंप्लीट सेल रिएक्शन हो गई ठीक है। अब हमें ई नॉट सेल, जब इस सेल का प्रैक्टिकली ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आई इस सेल की, 0.76 वोल्ट। इस सेल का, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रैक्टिकली जब ईएमएफ कैलकुलेट किया गया वोल्ट मीटर की हेल्प से, मतलब वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल आपने यहाँ प्लेस किए, यहाँ एक यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ इन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से, इन केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो वो कितना आया 0.76 वोल्ट। तो अब ई सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनॉड, तो ई नॉट ये हो गया 0.76, ई नॉट कैथोड क्या है, कैथोड कौन सा है आपका, कैथोड कौन सा लिया है आपने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन H+ हाइड्रोजन माइनस जिंक इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये वैल्यू जीरो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जीरो है, तो क्या आई, माइनस 0.76 इज इक्वल टू जीरो माइनस ई नॉट ऑफ जिंक इलेक्ट्रॉन। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, माइनस 0.76 वोल्ट। सो दैट इज अ वे टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रॉड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं और एज यू नो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनॉड। बेसिकली ये जितने भी इलेक्ट्रॉड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है वो सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब वहां रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। कन्वीनियंस के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल। आप सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक है अभी ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर एक बार, आपके पास नहीं है तो आप एक बार ले आइए ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर एक टॉप पेज नंबर है आपका 69, इस पेज नंबर पर आपको एक टेबल दे रखी है। दिस टेबल इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम अब तक जूनियर स्टैंडर्ड के अंदर, आपने 11th में भी ये सीरीज पढ़ी है, 10th में भी इस सीरीज को हम बोलते थे रिएक्टिविटी सीरीज ठीक है। फिर 11th में जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर डिस्कस किया है तो उसमें भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द बेसिकली अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. उन सारे एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को लिस्ट आउट किया है. आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स सोल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज वन मोलर, वो होता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ एनी कंसंट्रेशन. तो जब आपका इलेक्ट्रोड एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप है जिसका कंसंट्रेशन वन मोलर के अलावा डिफरेंट कंसंट्रेशन है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग नर्ट्स इक्वेशन. सो नर्ट्स इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन. यदि आप वो इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप है उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, वन मोलर भी हो सकती है, डिफरेंट फ्रॉम वन मोलर भी हो सकती है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, दैट वी हैव कैलकुलेट बाय यूजिंग द नर्ट्स इक्वेशन. एक बार उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल और ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन. एक होता है, अभी अब तक हमने क्या कैलकुलेट किया है, ईएमएफ ऑफ सेल एट वन मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ई नॉट सेल, दैट इज नॉन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल. बट यदि मुझे ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है किसी भी कंसंट्रेशन पर, तो उसके लिए मुझे पहले नर्ट्स इक्वेशन की हेल्प से उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उससे मुझे क्या मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? ईएमएफ ऑफ सेल. इज इट क्लियर? तो नर्ट्स इक्वेशन क्या है, समझ में आया? नर्ट्स इक्वेशन क्या दे रहा है? नर्ट्स इक्वेशन गिव्स अ मैथमेटिकल रिलेशन, इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच गिव्स द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट एनी कंसंट्रेशन. उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पर, और फिर उससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर, क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हम दैट वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सेशन में इसको हम डिस्कस करेंगे. और इस नर्ट्स इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं, तीन एप्लीकेशंस हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. और ये जो नर्ट्स इक्वेशंस का सेक्शन है, ये आपका इस यूनिट का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. नर्ट्स इक्वेशन पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसकी एप्लीकेशंस पे न्यूमेरिकल बनते हैं. ठीक है, तो कल की क्लास आपको मिस नहीं करनी है. ठीक है, ठीक है, क्लियर है? व्हेनेवर वी अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि रिएक्टिविटी सीरीज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी. जो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है उनको ऊपर प्लेस किया है, जिनकी रिएक्टिविटी लेस है, डिक्रीज है, उनको नीचे प्लेसिंग मिली. तो बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज इज व्हाट इज, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज. वो जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या बोलते हैं उस सीरीज को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज. मतलब जो एलिमेंट हाईली रिएक्टिव है उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होंगे वो मोर नेगेटिव होंगे, और जिनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हैं वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव है, उनकी रिएक्टिविटी लो रहेगी. मतलब रिएक्टिविटी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना आपका रिएक्टिविटी हाई रहेगा, और जितना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेस नेगेटिव या फिर मोर पॉजिटिव होगी उतना ही आपका एलिमेंट लेस रिएक्टिव होगा. तो स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यदि आपका बात करें ईसीएस बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सो दैट इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे आर अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा, वो सबसे पहले प्लेस होगा, और जो लेस रिएक्टिव है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रहेगा, वो और वो उसकी पोजीशन नीचे रहेगी। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल आपको दे रखी है, ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये टेबल दे रखी है, देखिए ये पूरी टेबल आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखी है, तो इस टेबल में आप देखिए कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉर्मली उल्टा दे रखा है, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव है उसको सबसे ऊपर प्लेस किया, जो मोस्ट रिएक्टिव है नीचे है, बेसिकली आपकी सीरीज ऐसे उल्टी है, मतलब सबसे पहले आपका जो एलिमेंट सीरीज में क्या होगा, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो पहले प्लेस किया जाता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव है वो बाद में प्लेस किया जाता है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ प्लेस करी है टेबल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले जो एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है, फ्लोरीन, दैट इज 2.87। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड आयन, ये आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना आ गया 2.87। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं दीज आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जितना पॉजिटिव है वो उतना ही लेस रिएक्टिव है। देखिए सबसे लास्ट इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर सबसे लास्ट कौन सा एलिमेंट है, लिथियम, तो लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, -3.05 वोल्ट, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होगा वो सबसे नेगेटिव रहेगा। अब इस टेबल के अंदर, इस टेबल की बेसिकली क्या एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पहला एप्लीकेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी और ऑन द बेसिस ऑफ द देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज वी डिसाइड्स देयर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि किस मटेरियल को एनोड बनाना है, किस मटेरियल को कैथोड बनाना है, ठीक है, उसका डिसीजन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्रेजेंट एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को चेक करके हम डिसाइड करते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होगा वो एनोड बनाया जाएगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव रहेगा उसको हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Now second application, ठीक है, to decide the oxidizing and reducing power, ठीक है। अब जो element जितना ज्यादा reactive होता है उसका standard reduction potential उतना ही more negative होगा, and that element is powerful reducing agent, उसकी reducing power उतनी ही ज्यादा हो, ठीक है। मतलब जो element, देखिए ये जो नीचे element है उसका standard reduction potential more negative है, क्या है, मोर नेगेटिव है, ठीक है। जैसे आपका जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम जो है वो लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर कम होती जाएगी, मतलब एज यू मूव डाउन टू द ग्रुप, डाउन टू द टेबल, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी मोर नेगेटिव होती जा रही है, और जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव या पॉजिटिव है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो देखिए ये ऊपर वाले जो एलिमेंट है दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
मीन्स एज यू मूव डाउन टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, यानी दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, सो दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता है, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आइदर लेस नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दीज आर द मेनली टू एप्लीकेशंस, दीज आर द मेनली टू एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इज इट क्लियर?